एक अंधा ये कैसे भुला सकता है कि वो अंधा नहीं है? वो इस महरूमी को कैसे भुला सकता है कि वो देख नहीं सकता? अहद, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर हुआ क्या है? आई एम सॉरी माइंड, मैं आइंदा तुमसे ऐसी बातें नहीं करूंगा। अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं तो इस जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। ये बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस मिल जाएं, तो तुम सबसे पहले किसे देखना पसंद करोगे? मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी आंखों की हिफाजत करना। बेटा, इस वक्त क्यों सो रहे हो? बस ऐसे ही, अम्मी आज बहुत बोरियत हो रही है। चलो उठो, मैं तुम्हारी बोरियत का बंदोबस्त करती हूँ। पता है, आज सुबह भाभी का फोन आया था। बिलाल की एमबीए का रिजल्ट आउट हुआ है और इसी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है। हमें वहीं जाना है अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं जानती हूं कि तुम्हें इस बात का शदीद एहसास है कि तुम देख नहीं सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों को कम करने के लिए ही पार्टी में साथ ले जाना चाहती हूँ। ऐसी पार्टी में जाने से अम्मी दुख कम नहीं होते, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम बार बार ये क्यों सोचते हो कि तुम देख नहीं सकते? एक अंधा ये कैसे भुला सकता है कि वो अंधा नहीं है? वो इस महरूमी को कैसे भुला सकता है कि वो देख नहीं सकता? और इस तरह के इंसान को जीने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं तुम्हारे जज्बात को समझती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकता। तुम ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, मैं वापसी में लेट भी हो सकती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये मेरा मसला नहीं है, मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ। हेलो अहद, अहद, मैं तुम्हें सुबह से फोन करके थक चुकी हूँ। तुमने अपना फोन क्यों ऑफ कर रखा था? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? देखो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, तुम्हारा मूड भी सही नहीं है। आहत, आहत, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर हुआ क्या है? यार बोलो ना, आखिर ऐसी क्या बात हुई है? क्यों मुझे टेंस कर रहे हो? कुछ नहीं। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ? हमने बाहर जाना था या नहीं? मैं नहीं आ सकता। शायद इसलिए कि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, या शायद इसलिए कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अहमियत देती हूँ। मैं आता हूँ।
तुम मेरे साथ बहुत एंजॉय करते थे, आज बहुत उदास हो, कोई खास वजह है? अहद प्लीज कुछ तो बोलो, तुम्हारी वजह से मुझे भी बोरियत होने लगी है। मैं कोई भी पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, और जब भी कोई मुझसे पार्टियों की बातें करता है तो मुझे उससे चिढ़ होने लगती है। लोग पता नहीं क्यों मुझे मेरी महरूमी का एहसास दिलाते रहते हैं। इसका मतलब है घर वाले फिर कहीं गए हुए? हाँ, एक पार्टी में गए हुए। प्लीज तुम खुद को ना मजलूम समझना छोड़ दो, तुम खुद समझदार हो, मैं कितना समझाऊं तुम्हें, हर वक्त अपने अंधेपन का एहसास करते रहते हो, तुम आंखों के बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं देखना चाहता हूँ, और तुम भी सिर्फ मुझे तसल्लियाँ देती हो, शायद एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें आज ही छोड़कर जाती हूँ। माहिंद, आई एम सॉरी माहिंद, मैं आइंदा तुमसे ऐसी बातें नहीं करूंगा। अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं तो इस जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। Do you think you're better off alone? ये महीन के चॉइस को क्या हो गया? तुम्हें अंदाजा है इस वक्त रात का 1 बज रहा है? अच्छा, तो रात का 1 बज रहा है? एक्टिंग कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, मुझे पता नहीं था कि रात का 1 बज रहा है। हाँ, इतना अंदाजा ज़रूर था कि काफ़ी रात हो गई है। इस वक्त कैसे फ़ोन किया? पहले तुम बताओ, अब तक सोई क्यों नहीं हो? अरे बाबा, बताया तो था कि कल कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बोलना बोलना तो तुम्हें आता नहीं, प्रेजेंटेशन क्या दोगी? एक्सक्यूज़ मी। अच्छा अच्छा, अब नाराज़ नहीं होना। ये बताओ कि आजकल तुम्हारी चॉइस को क्या हुआ है? कुछ कह नहीं सकती, जब से तुम्हें फ्रेंड बनाया और लोगों को भी यही शिकायत है। हाँ, एक अंधे लड़के को दोस्त बनाओगी तो लोग तो ताने देंगे। अहद प्लीज़, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, और अगर तुम ऐसे बात करोगे तो इस प्रेजेंटेशन को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता, तुम तैयारी करो, कल मिलते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।
अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ करती हूँ. लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील एंड अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक. इट्स ग्रेट माइंड, तुम में तो बहुत कॉन्फिडेंस है. इतने एतमाद से तो कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता. काश मेरा वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं तुमको सिर्फ सुनने के बजाय इन आँखों से देख भी लेता. छोड़ो इस बात को, ये बताओ अगर तुम्हें तुम्हारी आँखें वापस मिल जाएं तो तुम सबसे पहले किसे देखना पसंद करोगे? तुम्हें? तुम्हें पता है मेरी आँखें वापस आ जाने के बाद मुझे एक और भी बहुत अच्छा सा काम करना है. वो क्या? तुमसे शादी. What? क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? Yes. माहिन, क्या अभी मुझे अपना चेहरा नहीं देखने दोगी? सॉरी अंकल. अहद, अहद, नीम, तुम, तुम्हें अपना वादा याद है? वो सॉरी माही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. मगर तुमने तो कहा था कि जब तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगे. हाँ कहा था.
अब क्या हुआ? मैं किसी ब्लाइंड लड़की से शादी नहीं कर सकता। आहत, मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी आंखों की हिफाजत करना।